चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम आप सेवा करी सीखवे श्री हरि भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो आपनी लीलाते वदन पोते करी उच्चार आनंद ते अधिक दीदो नवनीत जे भजन रस मथित माधुरी जीवे श्रवण पीधो तक्र सम कर्म पत स्नेह रस हीन जे श्वेत जानी विमुख ताणी लीदो चार मा कहो ने कोनो काई अर्थ सीधो शू कहूँ चतुर थई
भैयने विस्तरे भजे नहीं पशु जेम विषय की धो सुवन विमल वाणी जेनी गति ब्रह्मादि देवेन जानी गूढ़रस तत्व जे वेदनी वाणी ते प्रकट की धी भक्त एत जानी लीला करी ओ ते नाउचरी तानी राखी दिवस एकादनी उत्तरा कुंवर प्रति व्यास नंदन विमल वदन बाकी ज्ञान पारंगत ते मधु सिंधुनि कहिए माके ना कोई हुबो ना होए रूप सम ते ना सकल निज निगम साकी
हाँ यहाँ में मिसप्रिंट है। ए प्रभु रस पुंज भुवि पर रुचि करी भाग्यहीन जीव जेणे कणिका न चाकी तेने देव ऊपर रयाधिकार बोले मंदमति कहियने निंदा दाखी Thank you.
भेवु एक ते भिन्न थैवे स्तरे विविध लीला करे भजन सार विविध वचनावली नयन सेने करी संज्ञा सूचवे निशि विहार सूत्रे करी गल सरी शोभिता करे श्रृंगार विविध कुसुमावली ग्रथित हाथे करी एक एक ने कंठे आरोपे हार समस्यार्पते बहु प्रकार विविध बीड़ी सुगंध कर्पूर लची लविंग पूंगी अनेकेर सार तलवायु मुकुर कर कमल धरि देखाड़ता मोहे सकल संसार एह सेवारस प्रकट पोते करी निज सेवक तणी के धिसार Yeah.
वचनो सकल कले मल दुरित कोटि काले। हे प्रभु भुवि प्रकट वे प्रवर तनु धरी दीठडे त्रिभुवन तणा चेत चाले। करे मदन जर व्यताते वेग टाले जाल रंद्रे सकी जाने चित्रे लकी वांचेता नातनी छवि निहाले। कमल खंजन मीन मधुप जात की वक्रलोचन प्रति पाचा वाले दासनो दास बने सकल सज्जन सुने श्री विठल आपनु विरद पाले। सिखवे श्री हरि भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की धो आपनी लीला ते वदन पोते कई उच्चार आनंद ते अधिक दीदो।
या कोई अलग ही मजा है उस हमेरी को। આપનો મોબાઈલ તે ચેક પોતે કરી ઓફ કરી વલ્લભા ક્યાન સાંભળો कल अपन ने पोषण लीला के अंतर्गत माने चौथे आख्यान में पोषण की जो प्रणाली है वो एग्जैक्टली कौन सी प्रणाली है वो अपन ने देखी कि आचार्योचित प्रणाली है वो। जा आचार्योचित प्रणाली सु माने प्रमाण पंथ की प्रणाली है। और सबसे बड़ी बात वह मैंने आपको ये बताई थी कि याद होगी कि जो तीन शुरुआत के सर्ग हैं वो प्रमेय लीला के हैं और अभी जो पोषण उति और मन्वंतर लीला के सर्ग हैं वो प्रमाण के सर्ग हैं। प्रमाण या अर्थ में कि जा वक्त सर्ग के ये विविध प्रकार हुए हैं वह वक्त अपन है नहीं तो अपन जान कैसे पाएंगे क्यों क्या है वो तो कोई बतावे तभी अपने को पता पड़े ना। सर्ग अपनो हो जाए अपनो सर्ग हो जाए और अपन वहाँ प्रकट हो जाए और फिर अपन जब इंटरेक्ट करें तब अपने को पता पड़े। सो वाह बखत पता नहीं पड़े करके वाह बखत जो भी कुछ लीला तीन है सर्ग के काल की वो प्रमेय लीला है। और जा बखत अपन प्रकट हो गए वो भी वह रूप से प्रकट हो गए कि अपने साथ इंटरेक्ट कर सके वह बखत प्रमाण की जरूरत पड़े कि वह को जानो कैसे एग्जैक्टली देखो ये वह को स्वरूप कैसा है। जैसे अपन रास्ता पे चलते हों कोई अपने को हेला पाड़े अपन पीछे मुड़ के देखें कौन बुला रहे हो क्यों बुला रहे हो वो अपन क्या करें हैं प्रमाण को करें भाई कोई अपने को बुला रहे हो तो क्यों बुला रहे हो। अब समझो अपन है ही नहीं और वहां कोई हेला पाड़ रहे हो पाड़ तो रहे हेलावा में क्या फर्क पड़े कुछ अपने लिए भी करते हो तो भी वहां में फर्क कैसे पड़ सके अपने को। तो अपने को तो वो प्रमेय रूप में ही प्रकट होएगो कोई अपने को कहेगो कि भाई यहां तुम्हारे लिए हेला पाड़ रहे थे तुम अते के नहीं। मैंने अक्सर आपको अपने पड़ोस की बात बताई है बड़ी मजा की बात हमारे पड़ोस में वो नगीन भाई करतो तो ए नगीन भाई अरे तीन वक्त चार वक्त पांच वक्त कितनी बार तो मैंने भी जोर से कह दिया ए नती तो नगीन भाई की बहन बोली कौन कह छे नती भाई हूँ कहू छू आटली बार तेला पाड़े तो तुम बोलिया केम नहीं बात समझ में हेला पाड़े नगीन भाई होवे तो बोले ना बहन को गुस्सा आता है तो आवे वो तो बहन को गुस्सा होना अधिकार है वो मैं भी मानू
કે ભાઈ કોણ છે કે નથી એ કહેનારા તમે કોણ, એ વાત તો સાચી. વાહ, વાક્ય વચન અપને પ્રમાણ નહીં હો શકે. બાબે ઇતની દેર સે હેલા પાડજો, એ નગીન ભાઈ, તમને તીન ચાર છ વખત કયો, મેને ફિર વહી ટોન મેં કહે દીધો કે એ નથી. બાકી બહેન કો ગુસ્સા આ ગયો, કોણ કહે છે નથી, ચુપ રહેને ભાઈ, સારે આપ કોઈ બોલ રહે હો. મારી વાત સમજે ને કે અપન નહીં ઓર કોઈ હેલા પાડતો હોય તો આખો પ્રમાણ અપને કોઈ પતા નહીં ચાલે કે ભાઈ ક્યો ખાસ હેલા પાડ રહ્યો, ક્યો હેલા પાડ રહ્યો. અપન હે તો અપન તુરત અભિમુખ હોકે પ્રમાણ વ્યાપાર કરે ને, ભાઈ કોણ બુલા રહ્યો હે, ક્યો બુલા રહ્યો હે, ક્યા કારણ હે. અપન ફિર પૂછ શકે ને કે એ શું કારણ છે, કેમ બોલાવો છો, પૂછ શકે ને ફિર અપન. તો વો પ્રમાણ વ્યાપાર હે. તો જે પ્રકટ ભયો હે ત્રિવિધ પુરુષ, વો અપને કો પ્રકટ હોને ઓર ઉનને અપને કો પ્રકટ કિયો હે, વાકે બાદ વો બુલા રહે હે કે નહીં બુલા રહે હે. તો બુલા રહે હે તો ઉનકી બુલાને કી ટેકનિક ક્યા હે, ઉનકી બુલાને કી પ્રણાલી ક્યા હે, વો મેને આપકો બતાઈ કે વો વાકો નામ દે હે, વાકો પહેચાને હે પહેલે કે યે પુષ્ટિ જીવ હે, વાકો નામ દે હે, રૂપ દે હે પ્રભુ કો, પ્રભુ કો નામ દે હે, પ્રભુ કો રૂપ દે. આજકાલ વો સબ પ્રણાલી હટ ગઈ હે, પર યે પુરાની જો હતી વો ડિસિપ્લિન હતી કે સબસે પહેલે વાકો પ્રભુ કો નામ દેનો. પ્રભુ કો નામ દેને કો મતલબ ક્યા, અપન અક્સર નામ દીક્ષા કો મતલબ યે સમજતે હોય કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ માં મે બોલનો, એસે નહીં હતો. અપને સંપ્રદાય મેં વો કેન્સલ હો ગઈ હે પ્રણાલી. બાકી અભી ભી હરે કૃષ્ણ વાલે, જૈન વાલે, મુસલમાન લોગ, યે સ્વામિનારાયણ વાલે, યે સબ જો ઉનકે સંપ્રદાય મેં દીક્ષિત હો, વાકો એક ભગવાન કો નામ દે મેં. જૈસે દામોદર દાસ, કૃષ્ણ દાસ, ઉન સબ કે કોઈ ભગવાન કે નામ દીએ ગયે, તો પહેલે ઉનકો ભગવાન કો નામ દિયો જાય, ઓર વો ભગવાન કો નામ દેને કે બાદ ફિર જબ ઉનમે વો આ નામ કે કારણ સેલ્ફ અવેરનેસ વૈસી જગે. યે દેખો એક સજેશન કો પ્રકાર હે, હો એક સજેશન કો પ્રકાર હે કે વાકો સજેસ્ટ કિયો જાય કે તેરો સ્વરૂપ તું યાદ કરે સુ પહેચાન. વૈલિયા વાકો દ્વિજન્મા કહેતે તે, એ દૂસરો જન્મ હૈ. તો નામ દીક્ષા જો હે વાકો અપનને એક હી અર્થ સમજ્યો કે અષ્ટાક્ષર દીક્ષા. અષ્ટાક્ષર દીક્ષા ભી નામ દીક્ષા હે, ક્યોંકે શ્રી કૃષ્ણ કો નામ અપને કો દિયો જા રહ્યો હે, પર વાકે કોરસ્પોન્ડિંગ અપને કો સ્વસ્વરૂપ અર્થ ભી પ્રયોજિત કરને કો વામે એક પુરાની ડિસિપ્લિન હતી કે જામે ભગવાન નામ કોઈ દિયો જાતો, ઓર વા ભગવાન નામ કે દાન સુ વામે વા તરીકે કી સેલ્ફ અવેરનેસ આતી, વા સેલ્ફ અવેરનેસ કે કારણ વાકુ રિસ્પોન્સ દેને કી ઈચ્છા હતી કે ભાઈ વો કોઈ બુલા રહ્યો મુકુ, તો એ કોણ છે, એ તો પૂછને કે વાકુ ઈચ્છા હોય ને કે કોણ બોલાવી રહ્યો છે. ક્યોંકે ભક્તિ સુંદરી ભી બોલા શકે ઓર માયાદાસી બોલા શકે, તો કોણ બોલાવી રહ્યું છે એ તો આપણને ખબર પડવું જોઈએ ને. તો વો નામ દે કે વામે સેલ્ફ અવેરનેસ જગાઈ જતી કે યદી ભક્તિ સુંદરી બોલાતી હોય તો રિસ્પોન્સ દેનો, માયાદાસી બોલાતી હોય તો સમજનો ક્યાં બોલાવે છે. પણ આપણને એવું કહે શકે કે એ નથી, શાંતિ શું કહે શકે. તો યા રહસ્ય કુ સમજો, તો વો એક આખી પ્રણાલી હતી નામ કી, ઓર વા નામ કી પ્રણાલી શું વાકું ફિર રૂપ દાન કિયો જાતો તો, જાકે ટોકન મેં કંઠી દીક્ષા યે સબ હતી. યા પ્રણાલી શું વાક્ય ભીતર ફિર વાકું સમજાયો જાતો, સરસ વચન ઉચ્ચાર માત્રે સંશયનો પરિહાર વગેરે, યે સારી પ્રક્રિયા શું સ્વસ્વરૂપાર્થ વાકું પ્રયોજિત કિયો જાતો તો, વો સારી બાતે અપનને પોષણ કે પ્રકાર મેં દેખી. વા મેં એક બાત યે કહી કે સ્કંદ સંખ્યા એ કયા પદ સાર માહે સાર, સ્કંદ સંખ્યા એ કયા પદ શ્રી ભાગવત રસરાજ, ભક્ત જન પદ રજ પ્રતાપે સકલ સરિયા કાજ. યા મેં કુછ ટીકાકાર ક્યોંકે યા બારહા કડીએ ગાઈ હૈ કરકે એક એક કડી મેં સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ એસે ખોજે હૈ, મુખ લગે કે વો જાતિ હૈ યા આખ્યાન કે સાથ, બિના જાતિ કીએ વૈસો અર્થ યા નિકલ નહીં શકે. નિકાલનો તો કોઈ આપત્તિ ભી કી બાત નહીં હૈ, ક્યોંકે
गोपाल दास जी कह रहे हैं कि वो स्कंद संख्या एक कया, तो स्कंद संख्या एक कया कहो है वास्तु वो बारह के बारह स्कंद या आख्यान में होनो, ये दो कारण से मुकु अभिप्रेत नहीं है। एक तो या कारण सु के सारो गोवल्लभाख्यान भागवत को भागवत की पैराफ्रेजिंग है, वाकू इतने छोटे में यहाँ क्यों कन्फाइन कर लो, सिर्फ बारह कड़ियाँ कही हैं वा कारण सु, और फिर वो बारह कड़ियाँ यहाँ कही वा कारण सु अपन यहाँ वाकू कन्फाइन करें, फिर उनमें सर्ग कहाँ हैं विसर्ग कहाँ हैं देखें तो उतना टैली नहीं हो रहे है। जबरदस्ती कुछ खींचतान के निकालना है तो निकाले जा सके, पर उतना टैली नहीं हो रहे है, पॉइंट टू पॉइंट एग्रीमेंट वहाँ में नहीं दिखे है। सो वो बात मुख बहुत मान्य नहीं है, पर इतनी बात निश्चित है कि जब वो स्कंध संख्या ये कहा श्री भागवत रसराज, तो वहाँ में एक बात तो वो निश्चित इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि यहाँ भागवत की संख्या को बारह की संख्या, देखो द्वादश आदित्य भी हैं, द्वादश महीना भी हैं, द्वादशांग पुरुष भी है, उन सबको यहाँ नहीं रिफर करके भागवत की बारह संख्या को क्यों यहाँ रिफर करना चाह रहे हैं, तो कुछ उनको इंटेंशन गोपाल दास जी को बारह संख्या की, जैसे अपन पद घड़ना चाहें तो ऐसे आनंद से कर सकें कि स्कंद संख्या ये कया पद श्री आदित्य मास, ऐसे भी कुछ कर सकते थे, तुक बैठा ही जा सकते, पर वो नहीं बैठा के श्री भागवत रसराज जो कह रहे हैं, तो कुछ लग रहे हो कि गोपाल दास जी के मन में भी यहाँ भागवत को कुछ कोई तो ख्याल, कोई तो कल्पना, कोई तो विचार यहाँ प्रकट हो रहे है कि या चतुर्थ आख्यान के साथ कुछ जो है वो भागवत को वो क्लोज कनेक्शन देखना चाह रहे हैं, और वो क्लोज कनेक्शन क्या है वो जा बखावत अपन देखें। तो वहां में अब सब अपनी अपनी पिपोड़ी बजा, मैं मेरी पिपोड़ी बजा रहे हूँ, वो कितनी प्रमाण है कितनी अप्रमाण है वो तो श्री गोसाई जी जाने और गोपाल दास जी जाने, पर मुकुया में अपनी पिपोड़ी यो बजाने की इच्छा हो रही है। क्या भैया क्यों महाप्रभु जी ने सुबोधनी में एक बात को खुलासा किया है, और सुबोधनी में यह बात को खुलासा करते हुए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो सर्गादि तीन लीला हैं उनको देखने को एक नजरिया ये है, वो ये है कि वो उपनिषद के जो उत्पत्ति की लीला है वाकई ये तीन वैरायटी हैं। उपनिषद में जाकु उत्पत्ति स्थिति और लय यो तीन जो ब्रेकअप दिए हैं ब्रह्म के फंक्शन के, जाकु अपन ब्रह्मा विष्णु और शिव कह सकें, लीला ब्रह्म लीला विष्णु लीला शिव लीला, वा के पैरेलल यहाँ उत्पत्ति के जो तीन दिए हैं, तो वो उत्पत्ति के फिर तीन जो सब क्लासिफिकेशन किए हैं वह में सर्ग विसर्ग और स्थान, उनमें महाप्रभु जी यों देख रहे हैं कि उत्पत्ति यहाँ तीन तरह से बताना चाह रहे हैं भागवतकार, कारणतः कार्यतः और आधारतः। अयो में देखने की बाबा एक खूबसूरती है, यदि भी पाछे में कुछ रिवर्स में जाना पड़ रहे हो पर कांट हेल्प इट, क्योंकि पोषण है तो पूरा पोषण हो जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट वेदांत के जो प्रमुख तीन संप्रदाय हैं वो क्लब हो जा रहे हैं यूं कहने से, तीनों संप्रदाय क्लब कर दिए हैं। वेदांत के तीन संप्रदाय कौन से हैं? एक संप्रदाय ऐसा है वेदांत को कि जो ब्रह्म को सृष्टि को सिर्फ आधार माने हैं, कारण और कार्य नहीं माने,
चाकीपाची दो वैरायटी हैं, एक विवर्तोपादान की और एक आकाशोपादान की, विज्ञान भिक्षु और शंकराचार्य के दो वैरायटी हैं आधारवादी वेदांत की। एक और वेदांत है जो यूं माने हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये कार्य जो है, ये कार्य जैसे कारण नित्य है ऐसे कार्य भी नित्य है, और वैसे कार्य भी नित्य है, या के लिए ब्रह्म ने सिर्फ क्या कियो है, तो वाकु जो सूक्ष्म है वाकु स्थूल बना दियो है और कुछ नहीं कियो है, या अर्थ में वाकु कारण कहे जा रहे है, यह अर्थ में नहीं कि सचमुच में ब्रह्म या को कारण है, क्योंकि जगत अपने आप में ऐसी अनित्यता क्षणभंगुरता और कुछ कुछ गड़बड़ियां लियो भयो है कि ब्रह्म या को कारण हो ही नहीं सके। मतलब अपन जो हैं वो दुखी हैं, अपन दुखी हैं, पैदा होते खत्म होते भय हैं, तो यदि अपने माजना ये हैं, अपन अज्ञानी हैं, अपन बहुत पापी हैं, दुष्ट हैं वुष्ट हैं वगैरह वगैरह, जितनी बात ऐड करनी हो नेगेटिव सब या में ऐड कर लो, तो वो सब अपन हैं या के कारण ब्रह्म या को कारण हो ही नहीं सके। पहले अपन स्थूल थे तब शुद्ध थे, सूक्ष्म थे तब शुद्ध थे, और जब स्थूल हो गए तब गड़बड़ घोटाला करते हो गए, और जैसे बच्चा छोटो होए तो बैठे हो रहे शांत, बड़ो होते ही सब तूफान शुरू करे, ऐसे अपन हैं। वो कार्यतः ही उत्पत्ति मान रहे हैं, कारणतः उत्पत्ति नहीं मान रहे हैं। ये एक आखिरी स्कूल है वेदांत की, हो और एक दूसरी स्कूल, या में भी कई सारे वेदांती हैं, कई सारे वेदांती हैं या स्कूल में भी, सब मिला के 12 तरह के वेदांत हैं। अब उनको मैथमेटिकली इनको सेट नहीं कर सके हैं, या क्योंकि वो मैथमेटिकली डेवलप नहीं भए हैं, फ्री स्टाइल में डेवलप भए हैं करके अपन कोई वैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बैठा सके कि कितने 3 12 4 3 12, तो एक एक को 4 4 अलॉट करो, वो मैथमेटिक्स यहाँ काम नहीं आएगी। पर 12 तरह के वेदांत हैं, तो जिनको अपन कुछ ओरिजिनलिटी भी लिए भाई वेदांत के, आजकल के चालू खाता के वेदांत और बहुत सारे हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये जो प्राचीन जो सिस्टमेटिक 12 तरीके के वेदांत हैं, उनको अपन इन तीनों में या तरह से सेट नहीं कर सके मैथमेटिकली, पर सॉर्ट आउट करें तो अपने को पता चले कि कोई या साइड के वेदांती हैं, कोई या साइड के वेदांती हैं, कोई या साइड के वेदांती हैं। उनमें कारणतः उत्पत्ति के वेदांती अपन हैं, और कारणतः उत्पत्ति के वेदांती होने के बाद अपन यों नहीं कह रहे हैं, अपने महाप्रभु जी के मत की ब्यूटी पाछी ये है कि कारणतः उत्पन्न हो रहे हैं करके अपन यों नहीं मान रहे हैं कि कार्य जो है वो है ही नहीं, अथवा आधारता भी अपन मान रहे हैं वो भी अपन पाछे यों नहीं कह रहे हैं कि अपन सिर्फ आधार ही हैं। महाप्रभु जी के सिस्टम में ये मैंने एक तरह की मल्टी डायमेंशन है कि वो कोई भी वेदांत की जो सिस्टम है वाकु अपने भीतर इनकॉर्पोरेट कर सके है, कहीं ना कहीं वाकु अपने भीतर कोई ना कोई खाता में अपने यहाँ वाकु जमा करके बता सके कि भाई ये 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 खाता को वेदांत हमारे या खाता में जमा हो सके। पर जो बेसिक डिफरेंस है महाप्रभु जी को वो ये है कि कार्यता आधारता और भी बहुत लोग मान रहे हैं, महाप्रभु जी की एम्फेसिस कारणता उत्पत्ति पे ज्यादा है, क्योंकि कारणता उत्पत्ति अपन समझेंगे तो अपने को यह पता चलेगी कि यह जगत जो है वो ब्रह्मात्मक है। यदि कारणता अपन ने उत्पन्न नहीं समझे, जैसे सोना मैसू गहना बन्यो या में थोड़ो भी डाउट आयो ना, तो गहना की कीमत घटे, कुछ ना कुछ तो घटेगी, क्योंकि अपने को लगेगा कौन सी धातु मिला के गहना बना दियो, पॉलिश है गोल्ड की, वो क्या गोल्ड
हाँ गोल्ड, हाँ गोल्ड प्लेटिंग करी है, रियल गोल्ड है भाई, बनियो काय सुअर, गोल्ड प्लेटिंग कर दी, ऐसा भी तो हो सके ना। ऐसा भी हो सके कि गोल्ड होवे ही नहीं और खाली गोल्ड जैसी कोई दूसरी येलो मेटल ले ली हो, ऐसे भी मेटल मिल रही हैं। तो ये क्या है अपने को निश्चय नहीं हो पावे। तो जगत की जो कीमत निर्धारित करनी है अपने को, वो निर्धारित करने में अपन फिर हिचकिचा जाएंगे। जगत की कीमत क्या है देखो, ध्यान समझो, महाप्रभु जी के मत में जगत की बहुत बड़ी कीमत है। जगत की कीमत यह है कि भगवान एव ही फलम स यथाविर भवेद भुवि, भगवान भूतल पे प्रकट होके अपने को अनुभव दे सके, ये जगत की अपनी यहां कीमत है, वैल्यू है, एक वैल्यू सिस्टम है। वो वैल्यू डिप्राइव करी जा रही है। वाकली महाप्रभु जी शाउटिंग कर रहे हैं, प्रपंचो मिथ्येत्युक्त्वा शुद्धम भजनम वारयन्ति, प्रपंचो मिथ्येत्युक्त्वा शुद्धम भजनम यारयन्ति। अरे यार, प्रपंच को मिथ्या कह के तुम भजन की जो हमारे सारी स्कोप है और भजन की जो हमारी इंटीग्रिटी है और भजन के प्रति जो हमारा एक जो ग्लोरिफाइड अप्रोच है, वह को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। प्रपंचो मिथ्येत्युक्त्वा शुद्धम भजनम वारयन्ति, अयमेव महामोह इदमेव प्रतारणम। और भजन को यदि चांसेस कम हो रहे हो या भजन में, तो महाप्रभु जी को फिर गुस्सा आवे, गुस्सा आके कहें कि तो फिर मैं ये कहूंगा कि जगत है ही नहीं, कम ऑन। तुम कह रहे हो कि है, मैं कह रहा हूं है ही नहीं ये जगत, ऐसे ही मान के चलो, क्योंकि या होनो भी फिर डिस्टर्बेंस है। ऐसो जगत को होनो कि जा जगत में भजन की पॉसिबिलिटी नहीं हो, महाप्रभु जी कहें वह जगत को नहीं होना अच्छा है। ये वैल्यू है, हो वो कोई तालिबान की तरह वो जगत को डायनामाइट से उड़ा देने के लिए नहीं कह रहे हैं, पर जगत की वैल्यू महाप्रभु जी क्या समझ रहे हैं, ये महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं कि जगत है। और ये जगत की वैल्यू ये कि वह सोना, ब्रह्म रूपी सोना को घड़े भयो, ये गहना है, या मैं घड़ाई एडिशनल फैक्टर है लीलात्मक, वो जो स्वरूप में नहीं दिखाई दे रहे हो, तो जो एडिशनल चार्म वो वाकई ये घड़तर के बाद वो एडिशनल चार्म वा में प्रकट भयो है। तो जगत की वैल्यू वो, अब बेचारे महाप्रभु जी बहुत वेल डिसिप्लिन ऑथर हैं, करके बोल नहीं दें अब बात को, बाकी अपन उनकी बात को पूरा अंदाज लगावे ना, उनकी बात की वैल्यू निकाले ना, तो स्पष्ट समझ में आवे कि जगत की वैल्यू ब्रह्म की वैल्यू से थोड़ी ज्यादा है, कम नहीं है। क्योंकि वो तो बिना घड़े घाट अनगढ़ है, और ये तो घड़े भयो ब्रह्म है। बात समझ में, घड़ाई को भी तो मूल थोड़ो तो ऐड होएगा कि नहीं। ये महाप्रभु जी के आखिर जगत को इवेल्युएट करने की एक पॉलिसी है। वह पॉलिसी में बहुत डिस्टर्बेंस हो गया है महाप्रभु जी को, जरा भी कोई ऐसे कहे कि प्रपंचो मिथ्ये त्युक्त्वा शुद्धम भजनम वारयन्ति अयमेव महामोहो इदमेव प्रतारणम यत् कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास परकृति। ये वैल्यू खंडित ना हो जाए, अकेले महाप्रभु जी केसरिया करने तैयार है, मारा आओ, चलो मारा मारी करो, कितनी करनी है तुमको मेरे साथ, पत्रावलंबे पंडित जीत्या माइक मत मातंग, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्थाप्या जेना रूप कोटियन, ये सारा झगड़ा वह लिए कर रहे हैं कि जगत की जो एडेड वैल्यू है वह एडेड वैल्यू को कोई डिक्रीज न करे, बाकी कोई डिवेल्युएशन न करे, बाकी जो प्रॉपर थोड़ी तो इंक्रीज्ड वैल्यू है कि नहीं, वो अनगढ़ है, ये घड़े भयो है, या वैल्यू को क्यों तुम एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो। एकदम चालू हिंदी खाता में भाषा में कहना है तो मुर्गी जान से गई और मियां का स्वाद नहीं। अरे भाई, वो ब्रह्म जो नित्य अनादि व्यापक है, वो तुम्हारे ये रूप में प्रकट हो गयो, अनित्य बन गयो, सादी बन गयो, शांत बन गयो, वाने कितनो समझो कि जोर लगाए अपने, और बाकी तुम एप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो। कैसे तरह के तुम्हारी सेंसिटिविटी है कि जब वाने इतनो जोर लगा के अपने स्वभाव के विरुद्ध अन्यथा कर तुम सामर्थ्य सु ऐसा जगत प्रकट किया, वाकी निंदा करनी के वाकू एप्रिशिएट करना, ये जगत की वैल्यू है। वह जगत की वैल्यू होने के कारण महाप्रभु जी पाछी एक बात कहे हैं, कारण तो उत्पत्ति पहलो सिद्धांत है मेरा,
श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा, वो कारणता उत्पत्ति को आपका प्रिंसिपल है, आयन भाव ख्याल में। और लीला द्विज तनुधारी ये पुष्टि मार्ग में कार्यतः उत्पत्ति है। और जो वाक्य बाद जो स्थान लीला है वह में आधारतः वकु जो उत्पन्न भय वकु आधार कौन दे रहे है, जो भी चीज अपन उत्पन्न करें वकु कोई ना कोई आधार तो देना पड़ेगा कि ये चीज पैदा करी। जैसे रसगुल्ला भी बनायो तो वकु कहां रखेंगे, कोई भी चीज बनाई आइटम खाने की, अब वकु जमीन पे तो नहीं रखेंगे ना। यदि वकु खाने में रुचि पैदा करने के लिए रखना है तो वकु वह आइटम के जैसे, यदि लिक्विड है तो कटोरा में रखना पड़ेगा, थाली है तो माने सॉलिड है तो थाली में रखना पड़ेगा, और गौग्रास की तरह अपन सब डंप करें वहां ऐसे भी नहीं, वकु थोड़ा सजावट से रखना पड़ेगा। तो ये जो सो आधार है वो कौन करेगा, तो उत्पत्ति तीन तरह से महाप्रभु जी कह रहे हैं, कारणतः कार्यतः और आधारतः। ये तीन तरह की उत्पत्ति लीला है, इनमें कारण क्यों रोल प्रधान होने के कारण वो सब प्रमेय है। बात समझ में आई ना, वो सब प्रमेय, क्योंकि अपन वाबकत है नहीं, अपने को क्या पता कि क्या कर रहे हो। देखो ध्यान से समझो, अपनी माँ या अपनी वाइफ या अपनी बहन या कोई अपना भीतर या ही रसोई बना रहे हो ना, वो सब प्रमेय है। अपने क्या पता कि वहां ने क्या मिर्च मसाला इकट्ठा किया है, कैसे बनाया है, प्रमाण कहां से शुरू हो रहे हो। अपनी थाली में पुरस दियो ना तब से प्रमाण प्रकट हो रहे हो, जब वो वहां बना रहे हो अपन तो वहां है नहीं मौजूद, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अपने क्या पता चले। तो वो सब प्रमेय लीला है, बात समझ में आई। जब अपने थाली में पुरसे जा रहे हो है तब सु प्रमाण व्यापार है, देख रहे हैं वो प्रमाण व्यापार है, हाथ में उठा रहे हैं वो क्रिया व्यापार है, जीप पे रख रहे हैं वो प्रमाण व्यापार है, ये प्रमाण व्यापार यहां से शुरू हो रहा है। तो वहां बात को ध्यान से समझो कि ये जो पोषण लीला शुरू हो रही है, ये पोषण लीला में महाप्रभु जी ने सडनली एक खुलासा और किया है कि ये प्रमाण लीला है इतना ही नहीं, पर वहां जो आखो लीला को प्रभेद आ रहे है वो जैसे उत्पत्ति कारणता कार्यता आधारता है, ऐसे जो स्थिति है वाके लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पोषणतः विलासता और धर्मता हो रही है। कोई चीज को भी स्थिति है बाकू मेंटेन करना है, तो मेंटेनेंस मेंटेन कैसे अपन करेंगे, बाकी प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले जाकू पैदा किया है वाकू पोषण करना पड़ेगा, पोषण नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। जब बच्चा को दूध नहीं पिलाया, बच्चा को खवाया नहीं, पेड़ को अपन ने प्रॉपर केयर नहीं ली तो पेड़ खत्म हो जाएगा, बीज बोने से पेड़ नहीं पैदा होएगा, बीज की गुजराती में जाकु मावजत के ना, वो मावजत करने से पेड़ जो बोयो गयो है वो टिकेगो। तो स्थिति की पहली शर्त है पोषण, जिनको पैदा कियो है उनकी मावजत करो, उनको उनकी केयर लो। तो सबसे पहली लीला जो है वो पोषण है। दूसरी लीला, एक बात ध्यान समझो कि चाहे बच्चा होए, चाहे पेड़ होए, चाहे जानवर होए, उनकी पोषण करके और उनके साथ अपन इंटरेक्टिव मोड में नहीं रहे ना, अल्टीमेटली वो बच्चाएं जा दिन जवान हुए हैं वा दिन अपने को वृद्धाश्रम में भर्ती करते हुए, क्योंकि अपन ने उनके साथ इंटरेक्टिव मोड में कोई विलास तो कियो नहीं है। तो उनको बस इतनी पता चले कि ये कोई एक व्यवस्था है हमारे को प्रोवाइडेड जो हमको मेंटेन कर रही है, जा दिन हम सेल्फ मेंटेन्ड हो जाए वा दिन इनको विदा करो वृद्धाश्रम में। अब मेंटेन करने की हमको क्या जरूरत है इनको, क्योंकि इनकी यूटिलिटी क्या, इनकी यूटिलिटी क्या। अब एक बात सच है कि
कि जो आपने मेंटेन कियो वाके जैसे ही अपन सेल्फ मेंटेन भय वाके बाद वाकी यूटिलिटी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाए और जब वाकी यूटिलिटी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे जावे वा वक्त अपने को ये समझ में आनो कि इनको मेंटेन करना वो चाहे पेड़ होए कि जानवर होए कुत्ता होए पोपट होए गाय होए बच्चा होए वाइफ होए हस्बैंड होए भाई होए कोई भी होए जा वक्त वो डिक्लाइनिंग सेल्फ मेंटेनेंस आयो ना पोषण के कारण ये पोषण में रहो भयो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है हो कि पोषण के कारण जब भी सेल्फ मेंटेनेंस को घट सपने में आयो वह वक्त एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आवे कि जासू अपन मेंटेन हो रहे हैं वाह के प्रति अपने को वाकू मेंटेन करने के लिए अपने दिल में कोई जात को भाव जगनो जरूरी नहीं है क्योंकि अपने को रिडंडेंट